Amazing occasion ki ek hi din mein birthday hona. That's a big and that's amazing. Taliya hamare mom dad ke liye. What plan? मतलब क्या सोच रहे हैं उन्होंने मेरे प्लानिंग करी होगी कि मेरे मेरे शो में कपल बने बच्चे और दोनों भी बाय नेचर वाइज अमेजिंग एज ए को एक्टर बोथ ऑफ देम वी लव टू वर्क अगेन एंड अगेन विद बोथ ऑफ देम सो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू सेलिब्रेट कि एक बहुत ही यूनिक ओकेजन है कि एक ही दिन बर्थडे होना फॉर अ ऑन स्क्रीन कपल और दोनों इक्वली खूबसूरत भी लग रहे हैं ओके सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए एंड बहुत बहुत बधाइयां आपको तो राजन सर आपसे जानना चाहेंगे हमने हमेशा देखा आपके शो में किसी का भी बर्थडे होता है कोई भी सेलिब्रेशन होता है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तो उसके लिए अगर आप कुछ पहले तो कहना चाहेंगे ये प्रथा कब से शुरू हुई ये तो आई थिंक जब से डीके भी स्टार्ट हुआ है तब से हर ओकेजन जब होता है कोई स्पेशल डे होता है आई थिंक बहुत जरूरी हम जितनी भी मेहनत करें बट जब तक ऊपर वाले को हम थैंक यू नहीं बोलते और उनके ब्लेसिंग्स ही लेते कुछ काम सफल नहीं होता तो ये परंपरा रिश्ता कहलाता है शुरू से रही है रिश्ते प्यार में भी शुरू से रही है एंड आई थिंक तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है अ टीम विच वर्क्स टुगेदर प्रेज टुगेदर एंड ऑल्सो सेलिब्रेट्स टुगेदर वो टीम एक साथ में रहती है थ्रू ऑल टाइम्स अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए बट वो टीम बॉन्डिंग फिर बन के रहती है जी अच्छा अपने दोनों एक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिनको ऑन स्क्रीन बहुत प्यार मिल रहा है उनके पेयरिंग को तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैं कह रहा हूँ कि वापस आज के टाइम पे यू नो दैट बहुत कम होते शो जहाँ कपल्स और कैरेक्टर्स स्टैंड आउट करते हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद ऋत्विक एंड कावेरी they've done an amazing job because the character jaise it's a little complex it's not a very straight play character aur inke nuances bahut challenging hai so it is not as if you're all the time playing very good good or very bad it has shades so challenging hai and they both have done a brilliant job but abhi I think picture baki hai bahut sare aur shades dekhne right okay Ritvik anything for your birthday celebration jo aaj hua I think I'm very grateful to Rajan ji for celebrating this in a very positive and in a very connected to God and everything. I think जो positivity थी जो माहौल था set का वो बहुत ही amazing था and I had never thought कि मैं हवन से start करके होली पे पहुँच जाऊँगा अपने birthday पे और केक फेशियल वगैरह होगा so it was a beautiful day. Okay, Kaveri, what about you? Yeah, actually birthdays पे usually हम केक काटते हैं which is fine and but आज हमने हवन भी किया स्पेशल बर्थडे हवन विच इज सो यूनिक एंड स्पेशल फॉर मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू राजन सर एंड द एंटायर टीम जो हवन का पार्ट थे और केक कटिंग का भी पार्ट थे जी राजन सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है इज अ हिट दिस शो इज डूइंग ग्रेट बट ये शो को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके बस यही है कि ये रिश्ता कहलाता भी एक दिन में ऐसा शो नहीं बनाता इट टुक years and lot of stages of hard work kabhi acha vakt aata hai bura vakt aata hai but is team mein bhi main wahi ek jazba dekhta hu ek mehnat karne ka so there's a lot of expectations and there's a lot of hard work and hopefully fans support karenge show ko aur dekhenge and we'll have a long journey okay right. any just a last message of Kaveri and Ritvik to the fans if you can give please yeah to ek to sab jaanna chahenge birthday to kafi dhoom dham se gaya jis baat ko bahut highlight ho raha hai ki ye ki aap log ka ek hi din pe you know birthday aata hai to jab ye ek dusre ko pata chala tha kya reaction tha ek dusre ka maine to believe nahi kiya tha because I've had an incident where the girl lied ki mera bhi birthday is today pe aata hai okay wo ek do din idhar udhar tha to main maan nahi raha tha so I said ki mujhe proof dikhao proof ki kya proof hai then she showed me her id
इतना कुछ इन्हें करना पड़ा आपको पता है। और अब आप दिखाने के लिए मत बोलना क्योंकि आईडी की फोटो इज जी जी नहीं डेफिनेटली नॉट कावेरी व्हाट अबाउट यू एक्चुअली जब मैंने स्टॉप नहीं किया था ऑब्वियसली जब मुझे पता चला था कि मेरे ऑपोजिट द गाय वाज प्लेइंग कुनाल इज ऋत्विक तो मैंने विकिपीडिया पे चेक किया और मैंने देखा उसका बर्थडे 22 अक्टूबर एंड आई एम शॉक्ड एंड आई थॉट कि मैं उसे बताऊंगी दैट्स हाउ आई बिकॉज मेरे लिए यूजुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है एक बार स्टार्ट हो जाता था आई कैन टेक इट फॉरवर्ड बट ऋत्विक इज अग्रीइंग विद दिस तो मैंने ऋत्विक से ऐसे ही सोच लिया कि इससे तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना ईजी होगा बिकॉज आई टेल हिम वी बोथ हैव अ कॉमन बर्थडे बट देन इन्होंने डिफिकल्ट बना दिया बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव ओके तो लास्टली फैंस को अगर मैसेज देना चाहेंगे जो आपके ऑन स्क्रीन पेयरिंग को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए अगर कुछ मैसेज थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस नॉट सो कन्वेंशनल कपल एंड फॉर अप्रिशिएटिंग अस फॉर आवर एफर्ट्स दैट वी पुट इन बहुत मुश्किल होता है कि दिखते तो सब हैं आई थिंक बट इतना प्यार कोई नहीं देता किसी को भी अनलेस देयर गुड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए हमारे रोल्स को आई थिंक आज के टाइम पे बहुत अलग अलग चीज़ें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत everyone wants something different, something edgy. So I think हम बहुत lucky हैं उस way में कि हमें राजन जी ने मौका दिया to portray ourselves as not so good people and not so good as in सभी ऐसे होते हैं but to portray real life characters. So yeah, thank you so much. और अगर आपके जान पहचान में कोई भी है साथ जो हमें नहीं जानता उन्हें बताइए और हमारे शो के बारे में बताइए पक्का कावेरी से बोलते हैं डिट्टो आई थिंक ऋत्विक ने सब बोल दिया कुछ छोड़ा ही नहीं बट सीरियसली दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी मैं अपने सारे फैंस को जो हमारा शो देख रहे हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को इतना पसंद कर रहे हैं हमारी पेयरिंग को इतना पसंद कर रहे हैं ऐसे ही देखते रहिए और हम भी अपना बेस्ट देंगे ताकि आप हमें और भी प्यार करते रहें थैंक यू सो मच थैंक यू